हर रोज ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कुएं में लटकती चुड़ैल। हीरानंद जंगल में अनु चिड़िया अपने पिता के देहांत के बाद अपनी माँ के साथ हीरानंद जंगल में रहती थी और एक दुर्घटना में अनु की माँ का भी देहांत हो जाता है। फिर अनु की बुआ दीपा चिड़िया अनु को अपने साथ ले जाती है और घर के सारे काम इसी से करवाती है और दीपा की एक बेटी होती है उसका नाम तनु होता है। तनु को बहुत ही प्यार करती है, उसे घर का एक भी काम नहीं करवाती, सारा काम बेचारी अनु से करवाती है। एक दिन अनु बहुत ही बीमार होती है। अनु अपनी बुआ से कहती है, बुआ आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज घर का काम मुझसे नहीं होगा। ऐसे कैसे नहीं होगा, मुफ्त की रोटी थोड़ी ना दूंगी तेरे को, एक तो मेरे ऊपर छोड़कर चली गई, काम कर। सब बोलकर अनु की बुआ दीपा चिड़िया मार्केट चली जाती है। फिर घर का सारा काम अनु की बेटी तनु करती है। जब दीपा घर आती है देखकर बहुत ही गुस्सा होती है और बोलती है, तनु बेटा तुमने ये काम क्यों किया? मम्मा दीदी की तबीयत ठीक नहीं थी, दीदी ने बोला तुम कर दो इसलिए मैंने कर दिया। अनु की बच्ची, तूने मेरी प्यारी बेटी तनु से काम करवाया, अभी देख तुझे बताती हूँ, इधर आ तू। दीपा चिड़िया पास वाले कुएं में ले जाकर रस्सी के सहारे अनु को लटका देती है। अनु बहुत ही रोती है और बोलती है, बुआ बुआ मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है, मुझे उतारो बुआ। वो बेरहम बुआ घर में चली जाती है और अनु को वहीं लटका छोड़ देती है। फिर अनु कुएं में गिर जाती है, कुएं में गिरने के कारण की मौत हो जाती है। फिर वो चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल के रूप में आने के बाद वे अपने शरीर को देखती है और बोलती है, मेरे माँ बाप पहले ही मर गए और इस डायन बुआ ने मुझे भी मार दिया, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं बदला लूंगी। जब बुआ बाहर आकर कुएं में देखती है तो अनु मरी हुई होती है और रोने का ढोंग करती है और रोने आवाज सुनकर सभी पक्षी दीपा चिड़िया के पास आ जाते हैं, बोलते हैं, आओ दीपा चिड़िया तुम ऐसे क्यों रो रही हो। दीपा बताती है अनु की मृत्यु हो गई में गिरकर। मैं इस बच्ची को बहुत ही मना करती थी, कुएं के पास मत खेलना, ये मेरी एक ना सुनी और हमारे बीच में से एकदम से चली गई है, भगवान मेरी बच्ची अनु है, मेरी बच्ची अनु छोड़कर। फिर कोयल कहती है, दीपा सो जाते हैं। फिर चुड़ैल अनु तनु को उठा कर लाती है और कुएं में लटका देती है और जब दीपा की आंख खुलती है तो बेटी तनु को ढूंढते ढूंढते रूम से बाहर आती है और तनु को लटका देख चौंक जाती है। तनु बोलती है, माँ माँ बचाओ मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है। दीपा चिड़िया बहुत ही ज्यादा रोती है, रुक मेरी बच्ची मैं तुझे बचा लूंगी, ऐसे रो मत, मुझे और दर्द हो रहा है तेरे रोने की वजह से। चुड़ैल अनु आती है और बोलती है, डायन बुआ अब तुझे क्यों दर्द हो रहा है, जब मैं भी ऐसे तड़प रही थी सब तेरा दिल नहीं तड़पा, अब क्यों तड़प रहा है तेरा दिल, मैं अब तेरी बेटी को इसी में मार दूंगी। नहीं नहीं मुझे माफ कर दो अनु, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। डायन बुआ तुझे पता भी है तेरी गलती की माफी नहीं है, ने मेरी जिंदगी छीनी है। हाँ बुआ तनु बहुत ही अच्छी थी इसलिए मैं इसके साथ ऐसा नहीं करूंगी और मैं तुम्हें जरूर सजा देती, लेकिन तनु तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगी, मेरे अंदर दिल है, दिल बनने के बाद भी मेरे अंदर दया भाव है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। सुनकर दीपा कहती है, हो सके तो अनु मुझे माफ कर देना। सुनकर एक तेज रोशनी के साथ अनु चिड़िया गायब हो जाती है। अच्छा आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और उसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बाय।